वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज जैसे कि हमने आपको बताया कि कल का दिन बहुत अच्छा गया, हमने बहुत सेलिब्रेट किया। और अब सुबह हम जो अपना नाश्ता करते बेसिक चाय पी के और मखाना दूध खा के वो हमने खा लिया, और अब हो रही है लंच की तैयारी। तो आज हम लंच में बनाने वाले हैं कटहल के कोफ्ते। कटहल उबलने को रख दिया है और यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये सिर्फ सिंपल टमाटर का पेस्ट बना के रखा है और ये बाकी के मसाले जो अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कोफ्ते में डालने के लिए हम लोग बेसन को भून लेंगे और उसके बाद ये कोफ्ते में ऐड करेंगे। ये हमारा कोफ्ता है और ये देखिए, ये हमने क्या किया था, कटहल को उबाल के फिर उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं उसका पहले पानी निचोड़ लिया था, और उसके बाद धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, ये सब डाल के हींग वगैरह उसको अब मम्मी तल रही हैं। और यहाँ पे मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। जैसी मेरी ग्रेवी बन जाएगी कोफ्ता हम इसमें डाल देंगे। ये है मेरी टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने पहले भी दिखाई थी, और इसमें है मेरा मसाला जो कि नॉर्मल है, कांदा, मिर्ची, अदरक, लहसुन और जो मसाले होते जीरा वो सब, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची वो सब पीस लिया। मैं दिखा देती हूँ पेस्ट, ये देखो पेस्ट ऐसा। और अब हम इसको डाल लेंगे तेल में। अब हमने मसाले में मतलब टमाटर का जो प्यूरी तैयार किया था वो ऐड किया, और हल्दी और लाल मिर्ची कश्मीरी वाली बस, और उसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी और नमक और फिर कोफ्ता ऐड करेंगे। देखो अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसमें पानी और हल्दी नमक डाल दिया था, और उसके बाद जब वो मसाला एकदम अच्छे से पक गया तो एंड में कोफ्ता डालकर बस एक दो बॉईल दिया और फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखो, और ये मम्मी भरवा करेला बना रही हैं। ये मसाले एक्चुअली करेला का जो बीज और ऊपर के जो थोड़ा सा स्किन होता है, और उसमें कांदा, बाकी सौंफ, मंगरेल, बाकी जो मसाले, आमचूर पाउडर, वो सब मिलाकर बनाया गया है। और अब मम्मी उसमें वो फिल कर रही हैं। पहले मम्मी ने करेले को स्टीम कर लिया था, और अब इससे क्या होता है ना, कम तेल में पक जाता है, और अब यह थोड़े से तेल में सब फिल करके उसे फ्राई होने को रख रही हैं। और स्टीम करने से वो जल्दी भी पक जाता है। यहाँ हमारा कोफ्ता भी रेडी हो गया है, और अब चावल है वो भी हम रेडी कर लेंगे, तो हमारा खाना ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये करेले को कितना टाइम लगेगा मम्मी? 15-20 मिनट। मतलब ये ऑलरेडी पका ही है, बस उसको थोड़ा सा एक फ्लेवर आने के लिए उसको 15 या 20 मिनट ही रखना है, फिर हो जाएगा। ये हमारे 3 पार्सल जो मैंने आपको, इसमें से 2 मैंने आपको दिखाया था और अब ये पूरे 3 हैं। तो ये सारी हम आज ओपन करेंगे और चेक करेंगे इसमें क्या क्या है। ये देखो, ये वो पार्सल है जो मैंने बोला था ना हम अनबॉक्स करेंगे आज। क्या है वो? खोलो। ये हमारी पहली लाइट है जो हम मंदिर में लगाएंगे। कौन सी है ये? अरे वो फूल जो बने थे। अच्छा, जो साथ में थे। खोलो ना पूरा। खोल गया तो। नहीं, वो तो ढक्कन निकाल। डिजाइन है, देखो नजदीक से दिखाती हूँ। देखो ये तो इस पे चढ़ने का ढक्कन है बस। वो सिर्फ ऊपर से एलईडी पे लुक के लिए ना, फ्लावर का लुक देने के लिए कैप टाइप। ये कितने का था? 200-100 का था। इसके अंदर होगा ना पेपर भी? रुपया को मतलब सामान को तो रुपया। भाई रुपया भी बताना पड़ता अगर किसी को लेना होगा तो। पहले हम तो लेके देखें कैसा है। तो अभी तो अपन चेक करेंगे ना, तब बताएंगे ना। पापा ना बहुत मस्ती को साइड में ना दूसरा डब्बा फाड़ने लगे थे। ये खोलो जल्दी, इतना टाइम लग रहा है। देखो
ये हमने लगा दिया। ये जो फूल वाली लाइट है ना, ये जो ऐसे गई है, ये वाली मंगाई थी हमने, क्योंकि मंदिर ना थोड़ा सूना सूना लग रहा था, बड़ा है ना इस वजह से। और हमने एक और चीज़ मंगाई है, वो भी लगाएंगे। कितनी प्यारी लग रही है, देखो बहुत प्यारी है। और वो दूसरा पैकेजिंग हम ओपन कर रहे हैं। दिया तो बड़े सुंदर, इसमें ये हमने मंगाया था लटकाने के लिए झालर। ओ कितना प्यारा है, को बड़े हैं, मुझे तो लगा था ये वाले छोटे हैं, नीचे के ये जो गोल वाले हैं बड़े हैं। देखो ये, देखो ये प्यारे, ये सरक गया, ये ठीक कर देंगे, है बढ़िया बहुत। ऐसे लटकाने वाले मंदिर सुंदर दिखेंगे, और एकदम डार्क कलर है ना, और प्यारे लगेंगे। ये भी कुछ 400 के आसपास था ना, ये सब मिला के टोटल 400-450। अच्छा इतनी सारी, अच्छा ये सारा, ये चार मंगाया है हमने, ये चार, ये लाइट, वो सब मिला के 400 की है, 450-450, मतलब काफ़ी सस्ती हैं। अमेजोन से लिए, अब हम इसको, ये हम इसे भी लगा लेंगे। देखो ये जो हमने लरी लाई थी ना, वो देखो वो लगा दी है। ये वाली थोड़ी सी इस साइड मुड़ गई है, येलो कलर की है ये। ये देखो ये राम जी की फोटो पे लगा दी है, और ये इस मंदिर के, अब अच्छा लग रहा है मंदिर थोड़ा, है ना, बहुत सूना सूना लग रहा था। तो अब हम अपनी तीसरी चीज़ अनबॉक्स करने जा रहे हैं, जो तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये एक्चुअली कार का बेड होता है ना जैसे, ये वो चीज़ है, इसमें पूरा बेड है, हवा भरने के लिए पंप दे रखा है, और ये है इसका पूरा गद्दे का सेट। तो पहले हम इसका लगाएंगे पैर, ये है पैर, पैर लगाने के लिए पैसे हम इसमें कर देते हैं हवा। तो आप देख सकते हैं, करते हैं तो हम सिर्फ एक ट्रायल रन कर रहे हैं, तो ज़्यादा हवा नहीं भरी है, पर आप देख सकते हैं अगर ये पूरी हवा भर जाएगी तो ये इसके बराबर आ जाएगा जब ये हवा भर जाएगी। और आप हम खुलाते हैं करते हैं, ये देखिए ये है हमारा गद्दा, और अब हम गद्दे को खुलाएंगे। फिलहाल हम थोड़ी कम ही हवा रखेंगे और टेस्टिंग कर। ये आप देख सकते हैं अराउंड चार बाई साढ़े तीन फुट का एक प्रॉपर बेड बन जाएगा। पापा पकड़ो जरा, मैं कल लेट के देख तो मैंने बहुत कम हवा भर दी, लेकिन जस्ट हवा भर जाएगी तो एकदम आराम से ऐसे लेट के जाया जा सकता है। इधर छोटे बच्चे के लिए भी सेट कर रखा है कि गिरे नहीं, और यहाँ पीछे इसकी दो तकिया, वो तो मैंने नहीं बुलाई है, पर ओवरऑल ऐसे हमारा ये गद्दा हमारे सफर पे हमारा काम करेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने गद्दे की टेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया से वो सेट हुआ है। मैंने तो बहुत कम हवा फुलाई थी, पर वो जब एकदम टाइट हो जाएगा तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसके नीचे पैर दिए गए हैं, तो जो सीट के बीच का गैप होता है, तो वो जो सीट के बीच में गैप है वो उसी के शेप के लिए बिल्कुल घुस जाता है, और उसके ऊपर पूरा गद्दा आ जाएगा। दो तकिया फुलाइए और आप मस्त एकदम शांति से आनंद ट्रैवल का कर सकते हो। तो हमने अब अपने गाड़ी में मैक्सिमम सारी यूज़फुल किट खरीद ली है, जैसे कि टायर प्रेशर गॉज, हवा भरने के लिए, और जैसे कि लॉन्ग जर्नी के लिए गद्दा, और थोड़ी बहुत लाइट्स, भगवान जी की तो बहुत सारी मूर्ति देख सकते हैं आप, राम जी, शिव जी, माता जी, बजरंग बली सब हैं। ये जो उस दिन हम, क्योंकि पापा मेरे एडवोकेट हैं, तो ये आगे, ये एक्चुअली सबसे अच्छा है कि ये अंदर से है,
तो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर से हमने ये लगवाया है, ये बाहर से है, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बारिश होती है ना तो ये ख़राब हो जाता है। पर इसीलिए भैया कि ये तो निकलेगा अभी तो कोई बात नहीं, पर आगे से एडवोकेट हाई कोर्ट एकदम दिखता रहे। तो गाइज फिर मैं तो सो गई थी दोपहर में, और फिर उठ के चाय वगैरह पिया, और मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह मेरे बालकनी, ये देखो बच्चे खेल रहे, और बहुत अच्छा मौसम है, सनसेट एकदम हो गया है, और ज़्यादा ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी, बस हल्का सा ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ही थोड़ा टाइम बिताऊँगी।